कॉन्वेट यूट्रस। बाय कॉन्वेट यूट्रस क्या होता है, क्या इसमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, और हो पाती है तो क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, क्या बाय कॉन्वेट यूट्रस के साथ हमेशा प्रॉब्लम्स ज़रूरी हैं कि आएंगी, और क्या इसकी सर्जरी ज़रूरी है, यही सब आज हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। सो बेसिकली बाय कॉन्वेट यूट्रस होता क्या है? बाय कॉन्वेट यूट्रस एक प्रकार की बच्चेदानी की कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, यानी कि जन्मजात विकृति है, यानी कि कुछ महिलाओं में बर्थ से ही, जन्म से ही यूट्रस का जो बच्चेदानी या गर्भाशय है उसका शेप जो होता है वह नॉर्मल होने की जगह कुछ एक एबनॉर्मल प्रकार का होता है। इस जो बाय कॉन्वेट यूट्रस है इसमें बच्चेदानी यूजुअली हार्ट शेप की होती है, दिल के शेप की होती है। जो बच्चेदानी का जो टॉप होता है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें एक इंडेंटेशन होता है, गड्ढा जैसा होता है, जिसके कारण कि बच्चेदानी ऐसी दिखाई देने की जगह हार्ट शेप की, दिल के शेप की नज़र आती है। बाय कॉन्वेट यूट्रस बच्चेदानी के अंदर पाई जाने वाली कंजेनाइटल एनोमलीज में से सबसे कॉमनेस्ट एनोमली है। लगभग 3% महिलाओं को, यानी कि हर 100 में से हर 3 महिलाओं को किसी प्रकार की बच्चेदानी की शेप में या साइज में कुछ जन्मजात विकृति मिलती है। कई प्रकार की जन्मजात विकृतियाँ होती हैं बच्चेदानी की शेप में, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस हो सकता है, यूनिकॉर्नोइड यूट्रस हो सकता है, लेकिन इन सभी विकृतियों में जो बाय कॉर्नोइड यूट्रस है यह सबसे कॉमन प्रकार की एनोमली है। तो ये होता क्यों है बाय कॉर्नोइड यूट्रस? देखिए, हमारे अंदर जो बेबी होता है, जो छोटे बेबी के अंदर बच्चेदानी जो डेवलप होती है वह दो पैरा मीजोनेफ्रिक डक्स नाम की डक्स होती हैं, उनके फ्यूज़ हो जाने के कारण, उनके आपस में चिपकने के कारण ये बच्चेदानी बनती है, डेवलप होती है। तो जब ये पैरा मीजोनेफ्रिक जो डक्स हैं वो अपने प्रॉक्सिमल पार्ट में, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में फ्यूज़ नहीं होती, अलग अलग रहती हैं, और निचले हिस्से में यानी कि डिस्टल पार्ट में ये फ्यूज़ हो जाती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा तो एक पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बच्चेदानी का वह अलग अलग रहता है। इसके कारण कि यानी कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्स के पार्शियल फ्यूज़न के कारण, इनकम्प्लीट फ्यूजन के कारण बाय कॉन्वेट यूट्रस डेवलप होता है। अब बाय कॉन्वेट यूट्रस बाय चांस आपको हो गया तो आपको क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा? बाय कॉन्वेट यूट्रस के कारण महिलाओं को कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, यानी कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है, पेन थोड़ा अधिक साइड में होता है, एब्डोमन में, पेल्विस में, एब्डोमन के निचले हिस्से में थोड़ा पेन जैसा बना रहता है, ऐसा हो सकता है। बहुत सी बार मिसकैरेजेस, रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी महिला प्लान करती है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सी बार महिला को कोई समस्या नहीं होती, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, जस्ट ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, यानी कि सोनोग्राफी कराते हैं जिससे कि पता चलता है कि बाय कॉन्वेट यूट्रस है, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का कोई पीरियड के अंदर ना प्रॉब्लम हो रही होती, ना कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ किसी दिन किसी और कारण से सोनोग्राफी कराते हैं या फिर जब प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी होती है तो पता पड़ता है कि जो योर यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसका शेप एबनॉर्मल है, वह एक बाय कॉन्वेट यूट्रस है। कई बार महिलाओं को ये पहले पता पड़ जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हुई लेकिन उससे पहले ही किसी और कारण से सोनोग्राफी कराई और उसके अंदर उन्हें पता चला कि बाय कॉर्नेट यूट्रस है। तो कॉमनली महिलाएं काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं कि उनके बच्चेदानी में तो ये डिफेक्ट है तो अब प्रेगनेंसी कैसे होगी या प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ ये है कि फर्टिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाई योर बाय कॉर्नेट यूट्रस। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो बच्चा ठहरने की जो संभावना है, फिकेंडिटी जो है, जो फर्टिलिटी है, बच्चा ठहरने की जो संभावना है वह बच्चेदानी की शेप पे डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अगर आपको बाय कॉर्नोइड यूट्रस है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, नॉर्मली फर्टिलिटी अफेक्टेड होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाय कॉर्नोइड यूट्रस के बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, नॉर्मली प्रेगनेंसी हो सकती है, उसके आपकी फर्टिलिटी अफेक्टेड नहीं होती है, आपके कंसीव करने के चांसेस कम नहीं होते हैं, इवन अगर आपको बाय कॉर्नोइड यूट्रस है तब भी। हाँ, लेकिन अगर आपको बाय कॉर्नोइड यूट्रस है तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान आपको कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि आपके अंदर मिसकैरेज होने की, अबॉर्शन होने की जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है डेफिनेटली, एज कम्पेयर टू जब बच्चेदानी बिल्कुल नॉर्मल शेप की होती है। क्योंकि बच्चेदानी का शेप इस प्रकार का होता है, इसके कारण जो बच्चे की पोजीशन होती है वह बच्चेदानी के अंदर थोड़ी एबनॉर्मल पोजीशन हो सकती है, यानी कि बच्चा हेड पोजीशन में, जिसे हम नॉर्मल सेफालिक पोजीशन कहते हैं, जिसके अंदर कि बच्चे का जो सिर होता है वो बच्चेदानी में नीचे की तरफ होता है, वह होने की जगह ब्रीच पोजीशन में हो, बच्चा उल्टा हो, बच्चा ट्रांसवर्स लाइन में हो,
बच्चे यानी कि बच्चा आड़ा हो, ऐसा हो सकता है, प्रीटम बर्थ हो, डिलीवरी जल्दी हो जाए, प्रीटम लेबर शुरू हो जाए, जो बच्चे के चारों तरफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं वे जल्दी रप्चर हो जाए, PROM हो जाए, इसकी संभावना डेफिनेटली हायर साइड में होती है। जो प्लेसेंटा है उसकी भी एबनॉर्मल प्रोसेशन हो सके, यानी कि वो प्लेसेंटा लो लाइंग हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, उसकी संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। प्लेसेंटा अगर लो लाइंग होता है, प्रीविया होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरा डिटेल डेडिकेटेड वीडियो एक प्लेसेंटा प्रीविया पे है, जो आप देख सकते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया होने के जो चांसेस होते हैं वह अधिक होते हैं। जैसा मैंने बताया, डिलीवरी जल्दी हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, यानी कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर पैदा हो, ऐसा हो सकता है। डिलीवरी होने के बाद में प्लेसेंटा अंदर ही रह जाए, जिसके कारण की हैवी ब्लीडिंग हो, उसकी संभावना भी हो सकती है। रिटेन्ड प्लेसेंटा, यानी कि डिलीवरी तो हो गई लेकिन जो प्लेसेंटा का पार्ट है वह बच्चेदानी के अंदर ही थोड़ा चिपका हुआ रह गया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बच्चेदानी की जो शेप है वह एबनॉर्मल है, इसके कारण रिटेन्ड प्लेसेंटा रहने की भी संभावना जो होती है वह थोड़ी हायर साइड में होती है। तो अगर आपको बायकॉर्नियल यूट्रस है तो आप निराश नहीं हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, आपको सर्जरी कराना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्टिलिटी नॉर्मल रहती है, अफेक्टेड नहीं होती। हाँ, ये कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा साइड में आते हैं कुछ महिलाओं में, जिसमें बायकॉर्नियल यूट्रस के कारण रिकरेंट मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम आ रही होती है, उसमें इसको सर्जरी के द्वारा सही किया जा सकता है। इस सर्जरी को हम स्ट्रासमैन मेट्रोप्लास्टी कहते हैं, जिसके द्वारा हम बायकॉर्नियल यूट्रस को नॉर्मल शेप के अंदर ले आते हैं। तो अगर आपको बायकॉर्नियल यूट्रस है तो आप निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, और अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।